all are doing well. I am Chandrakant Giri. I am an assistant professor, Pragati College of Education, Salbari, Siliguri, West Bengal. Now, हम लोग discuss करेंगे short answer type questions के और items के बारे में. वो क्या होता है, कहाँ पे लगता है, उसका scoring कैसा करने किया जाता है, वो सब बारे में. जैसे short answer type में क्या होता है? या each of the items require very short answer. इसमें इस टाइप का आइटम में और क्वेश्चन में जो आंसर दिया जाता है वेरी शॉर्ट होता है. जनरली इसमें क्या होता है, वन सेंटेंस, टू सेंटेंस और फ्यू सेंटेंस. इन मैथमेटिक्स में देखा जाएगा तो लेस देन फोर स्टेप्स किया जाता है इस टाइप का आंसर. जैसे डेफिनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ आइटम्स. और इसमें क्या होता है, जो आंसर होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब वो जो आंसर स्पेसिफिक होता है, उसका दो तीन आंसर मिलेगा ऐसे नहीं होता है, स्पेसिफिक हो जाता है. और इसका जो आइटम कंस्ट्रक्शन वो ऐसे टाइप का कंस्ट्रक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और क्या होता है ना, इसमें जैसे ऐसे टाइप में हम लोग कम मतलब ज्यादा कंटेंट एरिया हम कवरेज नहीं कर पाते, इसमें हम लोग मोर कंटेंट एरिया को कवर करते हैं. इसमें जो स्कोरिंग करने का जो प्रोसेस वो भी थोड़ा इजी होता है ऐसे टाइप से. और इट लीड्स टू रोट लर्निंग, मतलब इसमें क्या होता है ना, हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग ज्यादा नहीं हो पाता, इसमें ज्यादा रोट लर्निंग को मेजर किया जाता है. और इसमें क्या होता है ना, हम लोग जो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं गेस करके उसका आंसर दे देते हैं, तो कभी कभी उसका राइट भी हो जाता है, कभी रॉन्ग भी हो जाता है. तो इसमें हम लोग गेस करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं रहता. और इसमें क्या होता है ना, जो स्टूडेंट लोग जो रेस्पॉन्स देता है, इस रेस्पॉन्स देने में वक्त भी कम लगता है, मतलब टेक लेस टाइम टू रेस्पॉन्स एंड स्कोरिंग, मतलब हम लोग स्कोरिंग करने में भी वक्त कम लगता है और रेस्पॉन्स स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देने में भी वक्त कम लगता है. और इसमें क्या होता है ना, इसमें टू टेस्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग विथ इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड विथ रैपिड स्कोरिंग. इसमें हम लोग क्या होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग को हम लोग शॉर्ट टाइम में मेजर भी कर सकते हैं और स्कोरिंग भी रैपिड भी कर पाते हैं. ये होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन. इसे एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक एग्जाम्पल देता हूँ. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, सपोज ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बी सी. तो इसका मतलब इस बी सी का मेजर क्या होगा, ऐसे एक शॉर्ट आंसर टाइप का एग्जाम्पल. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में और आइटम्स के बारे में. इसमें क्या होता है, लर्नर गिव द आंसर ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस बाय यूजिंग फ्यू वर्ड्स, चूजिंग करेक्ट ऑप्शन और मैचिंग एटसेट्रा. इसमें जो स्टूडेंट और लर्नर जो आंसर देता है उसका फ्यू वर्ड्स में देता है, कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन से अब लोग चूज करते हैं. कभी कभी कंपेयर कंपैरिजन दिया रहता है, दो कॉलम देता है, कॉलम ए कॉलम बी, हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो मैच करना पड़ता है. ऐसे करके भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का दिया जाता है, आंसर दिया जाता है. और इसमें क्या होता है, ईच क्वेश्चन हैज ए डेफिनेट एंड करेक्ट आंसर. इसमें हर क्वेश्चन का डेफिनेट एंड करेक्ट आंसर दिया रहता है. जैसे ऐसे टाइप में स्टूडेंट लोग उसका हिसाब से वो कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाता है, सेवल टाइप का उसका आंसर देता है. बट इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर रहता है, करेक्ट डेफिनेट आंसर रहता है, दूसरा कोई आंसर नहीं रहता, सिर्फ सिंगल आंसर रहता है. इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव, इस टाइप का जो आइटम और क्वेश्चंस में क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट्स और फुल कंटेंट्स ऑफ द कोर्स आर टेस्टेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद मोर रैपिड स्कोरिंग. इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम में हम लोग पूरा कंटेंट बा पूरा कोर्स का जो कंटेंट है कोई भी सब्जेक्ट में हम लोग टेस्ट कर पाते हैं,
थोड़ा वक्त मतलब विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरा कोर्स का कंटेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ रैपिडली उसका स्कोरिंग भी कर पाते हैं। और क्या होता है ना इसमें जो टेक लेस टाइम टू रेस्पॉन्स और स्कोरिंग, इसमें जो लर्नर और स्टूडेंट उसका आंसर देने में बहुत मतलब बहुत कम वक्त लेता है और उसका स्कोरिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें एक ड्रॉबैक भी है, इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट लोग क्या जो आंसर रहता है वो गेस करके देते हैं, जैसे सपोज मल्टीपल चॉइस चारों ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक आंसर सही है एक ऑप्शन सही है, उस टाइम क्या करते हैं वो गेस करते हैं, जिसका जो आंसर उसको पता नहीं रहता वो गेस करके उसका आंसर दे देता है। कभी कभी वो जो आंसर वो सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। और क्या होता है ना इस टाइप का जो आइटम है वो आइटम कंस्ट्रक्शन में बहुत डिफिकल्टी होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है इस टाइप का जो बहुत सोच के उसका जो आइटम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और कि इसमें एक अच्छा चीज है क्या, इसका जो ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाई होता है, रिलेबिलिटी वैलिडिटी भी बहुत हाई होता है इसमें। और एक अच्छा चीज है इसका जो एक्सट्रेनियस फैक्टर ऑफ द एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर का मूड बा जो स्टूडेंट जो अच्छा लैंग्वेज में अच्छा हैंडराइटिंग में लिखता है उसके लिए जो ज्यादा मार्क्स मिल जाता है, बा मूड खराब हो जाता तो जो एग्जामिनर का जो मार्क्स कम हो जाता है, इसका और इस टाइप का जो फैक्टर इसमें कोई इफेक्ट नहीं देता है। और इसमें क्या होता है ना जो स्कोर, इसमें जो स्कोर दिया जाता है आइदर फुल मार्क्स मिलता है और गलत आंसर देने से, मतलब राइट आंसर देने से फुल मार्क्स मिलता है और गलत आंसर देने से उसको जीरो मार्क्स मिलता है। यही होता है हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो बारे में। और इसमें हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो डिफरेंट टाइप होता है उस टाइप के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स का जो कितना टाइप होता है उसका कुछ एग्जांपल हम लोग देते हैं। जैसे क्या ना ऑब्जेक्टिव टाइप को मेनली हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है रिकॉल टाइप, सेकेंड होता है रिकॉग्निशन टाइप। इसमें क्या होता है रिकॉल टाइप में क्या होता है ना वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है जैसे सिंपल रिकॉल टाइप और कॉम्प्लीशन टाइप। सिंपल रिकॉल टाइप में क्या होता है इसमें क्या होता है ना लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरीज प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब इसमें क्या होता है जो लर्नर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद का प्रीवियस नॉलेज से उसका मेमोरी से उसका एक्सपीरियंस से उसका आंसर देगा। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू कितना क्या है वो उसका जो सीखा है और एक्सपीरियंस से और मेमोरी से उसका आंसर देगा। ऐसे भी हो सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है वो भी उसका मेमोरी से और प्रीवियस नॉलेज से वो दे पाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीशन टाइप, इसमें क्या होता है ना लर्नर आर गिविंग इनकम्प्लीट सेंटेंस, दे आर आस्क्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग अप प्रॉपर वर्ड्स और फ्रेज। इसमें क्या होता है ना जो स्टूडेंट को इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है देन एक्सपेक्ट किया जाता है वो उस जो इनकम्प्लीट है कुछ वर्ड और फ्रेज देके उसको कंप्लीट करें, राइट वर्ड और राइट फ्रेज देके। जैसे एग्जांपल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आता है इसमें इसको कौन सा फॉर्मूला किसका फॉर्मूला मतलब इक्वल टू एक ब्लैंक दे दिया, मस्कम उसका मतलब क्या है ना स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका जो आंसर है वो इस ब्लैंक में वो लिखेगा। ये हो गया कॉम्प्लीशन टाइप का। देन हम लोग का आता है रिकॉग्निशन टाइप। ये कितने टाइप का होता है मैं तो पहले से बताया था वो फाइव टाइप का होता है। पहले हम लोग का आता है क्या ऑल्टरनेटिव टाइप, इसमें क्या आता है ना ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन, लर्नर आर आस्क्ड टू चूज राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स यस नो राइट आंसर एटसेट्रा। मतलब क्या है इसमें स्टूडेंट को लर्नर को एक स्टेटमेंट दिया जाता है देन पूछा जाता है वो राइट है क्या रॉन्ग है ट्रू है और फॉल्स है
किसी भी फॉर्म में, जैसे एग्जांपल दे रहा, जैसे sin square theta plus cos square theta equal to r, इसमें एक ट्रू होता है क्या फॉल्स होता है वो हम लोग दे दिया, जो ट्रू है क्या फॉल्स है वो जो स्टूडेंट वो राइट जो ऑप्शन वो चूज करेगा। देन आता है मल्टीपल चॉइस टाइप, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 3 or 4 ऑप्शन, लर्नर आर आस्क्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है ना, कोई भी एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन में दिया जाता है, उसमें राइट आंसर और राइट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। जैसे रूट एक एग्जांपल देते हैं, जैसे रूट 12 प्लस रूट 6 इक्वल टू क्या है, इसमें क्या ना ए फर्स्ट ऑप्शन में लेता है 8 रूट 2, सेकंड ऑप्शन में 7 रूट 2, थर्ड ऑप्शन में 6 रूट 2, फोर्थ ऑप्शन में 5 रूट 2, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट होगा वो इधर लिखना पड़ेगा। देन आता है मैचिंग टाइप, इसमें क्या होता है ना, हियर टू कॉलम्स आर गिवन, लर्नर और स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मैच द आइटम इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। इसमें क्या होता है ना, एक दो कॉलम दिया जाता है, देन स्टूडेंट को मैच करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट कॉलम में कुछ ऑप्शन दिया मतलब कुछ आइटम्स दिया गया, देन उसका रिलेटेड जो आइटम्स कॉलम बी में दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम का कुछ आइटम के साथ सेकंड कॉलम का कुछ आइटम के साथ मैच कर जाएगा, इसलिए उसको बोला जाता है जो मैच करने के लिए उसको दिया जाता है, वो भी हमारा आ जाता है रिकॉग्निशन टाइप में। देन आ जाता है क्लासिफिकेशन टाइप, इसमें क्या होता है ना, हियर सम items are given and learners are asked to classify them according to their particular feature or categories. इसमें क्या होता है ना, कुछ items दिया गया student को और learner को, then उसको बोला जाता है match करने के लिए, classify करने के लिए, किसके आधार पर, either category के आधार पर और कुछ feature के आधार पर, then वो student लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, जैसे फाइंड आउट ऑड वन दिया गया कि ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम ऐसे, मतलब उसमें जो ऑड है मतलब जो ठीक मैच नहीं कर रहा है उसके साथ उसको चूज करो, जैसे दिया गया ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम, इधर देखो ट्रायंगल वो मैच नहीं कर रहा है रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर के साथ पैरेललोग्राम के साथ, वो किसके आधार पर, देखो ट्रायंगल का कितना साइड होता है 3 साइड होता है, स्क्वायर का कितना साइड होता है 4 साइड होता है, रेक्टेंगल का कितना साइड होता है वो भी 4 साइड होता है, पैरेललोग्राम का कितना साइड होता है वो भी 4 साइड के होता है, उसका मतलब है सबका जो साइड मतलब साइड 4 है पर ट्रायंगल का 3 है, उसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑड है, ऐसे करके हमको क्लासिफाई करते हैं। और ये का अभी जो रह गया वो होता है जो फिफ्थ टाइप होता है एनालॉजी टाइप, इसमें क्या होता है ना, हियर टू पैरेलल कंडीशन आर गिवन, इधर दो पैरेलल कंडीशन दिया रहता है, इन द फर्स्ट कंडीशन टू वर्ड्स आर गिवन हैविंग स्पेसिफिक रिलेशनशिप, द सेकंड कंडीशन इज गिवन इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है ना, दो कंडीशन दिया रहता है, एक कंडीशन मतलब दो कंडीशन रहता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कुछ रिलेशन के रिलेशन दे के वो दिया गया, सेकंड जो कंडीशन रहता है और सेकंड जो ये कंडीशन रहता है वो क्या रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है, स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है जो उसका फर्स्ट जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके सेकंड कंडीशन का जो इनकम्प्लीट ये है एलिमेंट है उसको फिलअप करना है, वो जो ब्लैंक है उसको फिलअप करना है, जैसे 7:49 इस ए है तो फर्स्ट कंडीशन, उसका मतलब देखिए 7 का स्क्वायर करने से 49 आ जाता है, ए होता है रिलेशन मतलब इसका फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर होता है, तो इसमें देखिए 9 है उसका ब्लैंक है मतलब इनकम्प्लीट है, तो इसमें क्या था ना फर्स्ट जो नंबर का सेकंड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 9 आ गया तो इसका मतलब इधर 9 स्क्वायर मतलब 81 होगा। ये होगा हमारा जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम्स का पूरा हो गया। अभी हम लोग समराइज कर देते हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आइटम्स के बारे में, टेक्स्ट आइटम टाइप ऑफ टेक्स्ट आइटम के समराइज कर देते हैं। पहले क्या होता है ना, एसे टाइप, इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप्स।
ऐसे टाइप को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। शॉर्ट टाइप को कोई में डिवाइड नहीं किए हैं कोई टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप को हम लोग डिवाइड किए हैं कैसे, रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉल टाइप को हम कितना टाइप में डिवाइड किए हैं, दो टाइप में, सिंपल रिकॉल टाइप और कॉम्प्रिहेंशन टाइप। और रिकॉग्निशन टाइप को हम लोग फाइव टाइप में डिवाइड किए हैं। पहला होता है ऑल्टरनेटिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, मैचिंग टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप और एनालॉजी टाइप। ये होता है हमारा पूरा टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप के बारे में।